ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जहां कहीं भी वैकल्पिक नीतियां, जहां कहीं भी समाजवादी सरकारें सत्ता में आने की कोशिश की, यहीं पर उनकी काड़ी फंसी कि इससे कैसे निपटे। ग्रीस में इसी मुद्दे पर हार हुई, दक्षिण अमेरिका के देश इसी मुद्दे से जूझ रहे हैं और वो मुद्दा है विदेशी कर्जे का। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम आज जब वैश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो वो सारी की सारी नीतियों के केंद्र में विदेशी कर्जा था। 1991 में इस देश के ऊपर विदेशी कर्जा $84 अरब हो चुका था, जिसके चलते कि सरकार ने विश्व बैंक और IMF से वो समझौता किया, जिसके चलते कि ये सारी नीतियां लागू हो रही हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो मैं उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, उसकी वैकल्पिक, उसका जो वैकल्पिक फ्रेम है वो हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिया है और वो बहुत क्रिटिकल है। उस पर विचार किए बगैर आप कोई वैकल्पिक नीति लागू कर ही नहीं सकते। तो मुद्दा ये है कि देश का कर्जा जो $84 अरब था वो अब $513 अरब मोदी के राजकाल में पहुंच चुका है, यानी 6 गुने से ज्यादा बढ़ चुका अगला। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जब मजाक उड़ता है और ये कहते हैं कि वो अक्सर विदेशी ज्यादा रहते हैं, तो विदेश ज्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि सारी विदेशी कंपनियों को देश में बुला रहे हैं और वो बुला इसलिए रहे हैं क्योंकि कर्जा चुकाने के लिए जो डॉलर चाहिए, कर्जा रुपए में नहीं चुकाया जा सकता, कर्जे को डॉलर में ही चुकाना होगा और रुपए डॉलर कन्वर्टेबल नहीं है, 65 रुपया बराबर डॉलर नहीं होता, उसे कागज पर आपको डॉलर का कर्जा चुकाने के लिए डॉलर ही चाहिए और डॉलर के लिए सारी विदेशी कंपनियों को देश में बुलाया जा रहा है, जिसके बारे में जो कंज्यूमरिज्म की बात उनको बात कर रहे थे। मुद्दा यही है कि वो सारी विदेशी कंपनियां को देश में बुलाया जा रहा है क्योंकि जब वो आती है तो वो डॉलर लेकर आती है, लेकिन वो भी जानती है कि आप कर्जे के संकट पे फंसे हो, तो ऐसे में वो आपको डॉलर तब देंगे जब आप उनकी शर्तें मानोगे। तो उनकी शर्तें क्या है, यही कारण है कि इस देश को विदेशी कंपनियों के हाथों गिरवी रखा जा रहा है। अगला तो भारत बेचा जाए, इंडियाइज्म से भारत बिकाऊ हो गया। जैसे उदाहरण के लिए सबसे भयंकर प्रोजेक्ट जो घातक है, जो देश के लिए नुकसानदेह है, वो सारे लागू ही इसलिए किए जा रहे हैं ताकि विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में आए, जैसे बुलेट ट्रेन। इससे बेवकूफी बड़ा प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता कि 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे सिर्फ बंबई अहमदाबाद की रेल लाइन के लिए लगा दिए जाए, लेकिन लागू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जापान लोन दे रहा है, जापान से डॉलर मिल रहा है। स्मार्ट सिटी का मुद्दा वो भी वही है, एकदम बेवकूफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इस देश के ऊपर कर्जे का संकट फंसा हुआ है, उनकी उनके हाथ हमारी गर्दन में पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये लागू करो तो कर्जा मिले। अगला उसी का एक दूसरा पहलू कि इस देश की सारी जो सबसे एक और भयंकर मुद्दा कि इस देश की सारी वित्तीय संस्थाओं को बिक्री के लिए लगा दिया, और सिर्फ वित्तीय संस्था ही नहीं, कामगारों का पेंशन फंड, कामगारों का प्रोविडेंट फंड, सारा का सारा प्राइवेट किया जाए और सारा का सारा ये सारे डाकू जो सारे डकैत हैं बाहर से हम जिनको बुला रहे हैं, ये सारी वित्तीय संस्थाओं को एक एक करके उनको हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। आपके आज पैसे जो आप मानकर चलते हो कि बैंक में आपका FD है तो सुरक्षित है और आपके बेटी की शादी के पैसे बैंक में रखे हैं तो वो सुरक्षित है, या आप मानकर चलते हो कि आपने LIC की पॉलिसी निकाली और 20 साल बाद यदि आप नहीं मरे तो आपको पैसे मिल जाएंगे और आप मर गए तो आपके परिवार को पैसे मिल जाएंगे, ये सारा का सारी गारंटी खत्म होने वाली है जैसे ये संस्थाएं प्राइवेट हो जाए। तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि कल कैनरा बैंक या पंजाब और सिंध बैंक कल अचानक अपने शटर डाउन कर दिए और बोले कि हम कंगाल हो गए हैं, हम आपके पैसे नहीं चुका सकते। ये दिन आने वाला है और FIDR पे उसी की तैयारी में है कि यदि बैंक बंद हुए तो
जिन लोगों का 1 लाख रुपए तक पैसा है वो गारंटी होगा, बाकी सारा पैसा वो बोलेंगे हम नहीं चुका सकते, सरकारी बैंकों में भी, क्योंकि वो प्राइवेट हो चुके हो। तो ये जो हालत बन रही है, ये जब बैंक के कर्मचारी और इंश्योरेंस के कर्मचारी हड़ताल करते हैं, आंदोलन सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सभी का आंदोलन है। हमको ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगारों के आंदोलनों का समर्थन करना पड़ेगा। उसके अलावा मुद्दा ये है कि पूरा का पूरा देश, ये तो विदेशी नीतियों के बारे में था, अब मैं जरा आंतरिक नीतियों के बारे में बात करूं कि पूरा का पूरा देश सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ। यानी बड़ी कंपनियों की दफाखोरी कैसे बढ़े उसके बारे में कुछ उदाहरण। अगला, जैसे एक उदाहरण, ये कहते तो है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि हर साल इस देश की सरकार बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए के टैक्स माफी देती है। इस साल के बजट में अंदाज ये है कि लगभग 5.5 लाख करोड़ की टैक्स माफी दी है। पिछले 4 सालों में इन्होंने हर बजट में, पिछले साल का आंकड़ा आता है, 4 सालों में मोदी सरकार ने अभी तक 22 लाख करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी है अमीरों को। आपको नहीं, और 22 लाख करोड़ रुपए मतलब कितना, जितना इन्होंने इस साल बजट में खर्चा किया। यानी यदि ये टैक्स माफी नहीं दिए होते तो आपका पेंशन, आपका स्वास्थ्य, आपका शिक्षा सारा बेहतर हो सकता था क्योंकि इनके पास इतने पैसे हो गए। अगला, उसी तरह से बड़ी कंपनियों को ये लोग लाखों करोड़ रुपए सालाना लोन माफी देते, उसके आंकड़े कुछ मैंने दिए हैं। इनमें से ये लोन माफी पिछले 13 सालों से चल रही है, 13 सालों के आंकड़े उपलब्ध है, लेकिन 4 सालों में मोदी ने, कांग्रेस ने जितने 9 साल में किए, मोदी ने 4 साल में उससे दुगने से ज्यादा कर दिया। और उसका आंकड़ा कुल मिलाकर नीचे देखिए, लगभग 10 लाख करोड़ की लोन माफी बाकी है जिसको मोदी सरकार ने कहा है कि वो करने जा रहे हैं। आरबीआई ने एक बाल कटाव नीति घोषित कर दी है कि वो सारे बड़े लोगों के पास लोन माफ कर दिए जाएंगे, उसका नाम ही है बाल कटाव नीति, हेयर कट पॉलिसी उसका ऑफिशियल नेम है, वो सारा जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर आंकड़ा 20 लाख करोड़ से पार होता है। तो आपका जमीन का लोन नहीं चुकता तो बैंक आकर आपकी जमीन ले जाता है, आपकी गाय भैंस ले जाता है, आपका स्कूटर ले जाता है। ये जो नीरव मोदी का हल्ला मच रहा है वो कितने का है, 13,000 करोड़ रुपए का, छोटी मछली, कुछ अंदर खाने गड़बड़ हो गई होगी तो वो लटक गया। असल चोर तो ये है जिनका 20 लाख करोड़ रुपए ये माफ कर चुके हैं या इन्होंने घोषित कर दिया है कि माफ करने जा रहे हैं। तो 22 लाख करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी है, 20 लाख करोड़ रुपए की लोन माफी दी है, आगे देखो। उसके अलावा हमारी सारी खनिज संपदा, मिट्टी के मोल सारी बड़ी कंपनियों को दी जा रही है, सिर्फ कृष्णा गोदावरी का जो खोर है या उसको क्या बोलते हैं, बेसिन को क्या बोलते हैं, का जो बेसिन को, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, यानी कृष्णा गोदावरी के नदी का जो बीच का जो इलाका है, उसमें जो गैस भंडार है वो इन्होंने, यानी गैस हमारी उन्होंने रिलायंस को दे दिया, रिलायंस से वही गैस 4 गुना दाम पे ज्यादा खरीद रहे हैं और उसके चलते देश को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ गैस में। उसके अलावा जो प्रमुख समंत्राय बोलते रहते हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, जो तमाम खनिज संपदा है, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, कोयला, ये सारा का सारा, अभी जो HMS का सारा मुद्दा है कि कोयला भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, ये सारे जो खनिज संपदा प्राइवेट की जा रही है और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को कौड़ी मोल दिया जा रहा है, सरकार लगभग मुफ्त में दे रही है, उसके चलते भी देश को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा आप जो ये हाईवे देखते हैं सारे बन रहे हैं, जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे और ये पुणे से, ये मुंबई से, ये कोल्हापुर का हाईवे बना रहे हैं, 4-4, 8-8, 16-16 लेन के हाईवे जो बना रहे हैं, आपको लगता है कि ये हाईवे प्राइवेट कंपनियां बना रही है? प्राइवेट कंपनियां नहीं बना रही, सरकार प्राइवेट कंपनियों को ग्रांट देती है अपनी जेब से, यानी हमारे और आपके टैक्स का पैसा उनको अनुदान दिया जाता है और उससे वो हाईवे बनाते हैं। सालाना कितना अनुदान देंगे वो हर साल बजट में घोषित होता है। मोदी सरकार के अब तक के 5 बजट में
2.7 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने अनुदान घोषित किया है कंस्ट्रक्शन कंपनियों को हाईवे बनाने के लिए। आप ये सारा जोड़ लीजिए, मैं आपको केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इससे के तमाम उदाहरण तो ये सारा जोड़ लेंगे तो 50-60-70 लाख करोड़ रुपए ये अमीरों की तिजोरी में डाल चुके। और जब इतना, इसके अलावा जो सारी प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो सारे के सारे कॉलेज के बोल प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, उसमें भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सारा जोड़ लीजिए तो अगला, तो ये सारा का सारा जो प्राइवेट हो रहा है, सारा का सारा जो सरकार नुकसान उठा रही है यानी अमीरों को ट्रांसफर कर रही है, उसके चलते सरकार का जो कुल आमदनी है, एक मैंने सिर्फ शुरुआती अंदाज लगाया है कि ये अनुपात जीडीपी की तुलना में होता है, ये क्या है उतना मेरे पास समझाने के लिए टाइम नहीं है। तो भारत दुनिया का जो औसत है वो है जीडीपी का 30%। भारत जो टैक्स और नॉन टैक्स जो पैसे इकट्ठा करता है यानी सरकार जो सारे पैसे इकट्ठा करती है वो सिर्फ 20%। यानी दुनिया के बाकी देशों के आसपास भी लाना हो आसानी से लाया जा सकता है यदि ये सारी टैक्स माफी, लोन माफी और ये जो मुफ्त में दिया जा रहा है सरकार को ट्रांसफर करना बंद कर दे। तो यदि वो हो जाएगा तो सरकार का इस साल का बजट था 24 लाख करोड़ रुपए का, वो हो जाएगा 36 लाख करोड़ रुपए। यानी 12 लाख करोड़ रुपए बजट का 50% बजट का आधा सरकार की आमदनी और बढ़ जाएगी। और ये मेरा न्यूनतम अंदाज है, यदि हम इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाए तो 12 लाख करोड़ के बदले 15 लाख करोड़ रुपए कहीं नहीं गए, इनके पास सालाना इतना पैसा होगा जनता के ऊपर सुविधाएं खर्च करने के लिए। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। अगला, क्योंकि खर्च नहीं हो रहा तो उसके चलते, अगला उसके चलते कुछ उदाहरण लेते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो हर बजट में जेटली तमाम भाषण देगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप नीचे पढ़ेंगे जब वो तथ्य देते हैं तो झूठ बोल रहे होते। बजट में घोषणा करेंगे शिक्षा पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, बजट में देखेंगे तो गायब है। महिलाओं पर घोषणा करेंगे कि हम महिलाओं की योजनाओं पर इतना प्रतिशत खर्चा बढ़ा रहे हैं, बजट में देखेंगे तो आंकड़ा गायब। तो इतनी झूठी सरकार, इतना झूठ बोलने वाला वित्त मंत्री आज तक आजादी के बाद शायद ही कोई हुआ जो खुलेआम संसद में बजट पेश करते हुए झूठ बोलता। अगला, तो शिक्षा के हाल में, शिक्षा में इन्होंने जिस देश में, आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक मास्टर एक से ज्यादा कक्षाओं को पढ़ा रहा हो। आप कल्पना कीजिए ना, मैं आपको कोई भाषण दे रहा हूं, मैं इस लाइन को एक भाषण दूं, इस लाइन को दूसरा भाषण दूं, उस लाइन को तीसरा भाषण दूं एक ही कमरे में, तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या चल रहा है। ऐसी पढ़ाई होती है इस देश में, यानी स्कूलों में क्लासरूम नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, स्कूलों में 24% स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। ऐसे देश में, अगला, ऐसे देश में इन्होंने स्कूली शिक्षा का बजट मोदी सरकार ने 5 सालों में 1/3 कम कर दिया है, 1/3, 33%। यानी ये सारी, अरे भाई हिंदुओं की बात करो तो उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहते, ये बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग, ये किसी को नहीं पढ़ाना चाहते, ये चाहते हैं कि हम मध्ययुगीन मूल्यों में जीते रहे ताकि गाय भैंस के मुद्दे पर झगड़ा करते, ताकि अंधश्रद्धाओं में फंसे रहे, क्योंकि हमको कोई मुद्दा ही समझ में ना आए तो ये चाहते हैं कि हम पढ़े ही नहीं, इसीलिए पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था खत्म कर। कोई सरकार ऐसी आज तक नहीं हुई है, हम कोई कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं हुई है जिसने शिक्षा के बजट में कटौती की हो, इन्होंने कटौती कर दी और उच्च शिक्षा के बजट में भी 7% की कटौती की है। यही कारण है कि आज गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षा में तो जा ही नहीं सकते। अगला, वही स्वास्थ्य सुविधा में, स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस देश में, जो देश बीमारियों में नंबर एक है, जिसमें मलेरिया और टीबी से लाखों लोग, ऐसी बीमारियां जिससे मरने की कोई जरूरत नहीं होती,
ऐसी बीमारियों से जिसमें लाखों लोग सालाना मरते हैं, क्योंकि आप अस्पताल जा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर लूट लेगा और सरकारी अस्पताल है नहीं और उनकी हालत बहुत खराब है। ऐसे देश में इन्होंने स्वास्थ्य बजट 2.5% बढ़ाया है इस साल, यानी वास्तविक महंगाई जोड़ ली जाए तो कटौती की है। ये बढ़ोतरी में भी एक बड़ा पैसा एक इंश्योरेंस योजना के लिए है जिसका सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को फायदा होगा, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इन्होंने बजट की कटौती कर दी। तो न शिक्षा पे खर्च करना चाहते हैं, न स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहते हैं। अगला, अब देखिए आंकड़ा, इनका शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट मैंने आंकड़े दिए हैं। स्वास्थ्य का बजट इनका इस साल 55,000 करोड़ रुपए था, शिक्षा का बजट इनका 85,000 करोड़ रुपए था, और इनकी लोन माफी टैक्स माफी वगैरह लाखों करोड़ रुपए की है। यानी आसानी से ये चाहे तो शिक्षा और स्वास्थ्य मिलाकर जो अंदाज जो बुद्धिजीवी बोलते हैं कि भाई कम से कम इतना खर्चा करो, 5.5 लाख करोड़ रुपए ये आसानी से खर्च कर सकते हैं। इनके पास पैसे हैं, पैसे हमारे ऊपर खर्च नहीं करते क्योंकि सारे पैसे अमीरों को जा चुके हैं। अगला, ओ अच्छा, तो 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, शिक्षा खाली कृषि में बात कर ले पटपट। अगला, खेती पर इन्होंने लोन माफी करने से मना कर दिया। खेती पर अंदाज यह है कि देश के पैमाने पर लोन माफी 3 लाख करोड़ रुपए की होनी चाहिए थी, वो देने को तैयार नहीं है, लेकिन अमीरों की 20 लाख करोड़ रुपए की लोन माफी दी ना। तो यदि अमीरों को लोन माफी दे सकते हैं तो गरीबों को क्यों नहीं कर सकते, खेती में क्यों नहीं कर सकते। अगला, पटपट जाए जाए, खेती पर इनका सालाना बजट 50,000 करोड़ रुपए से कम है, 50,000 करोड़, और अमीरों की टैक्स माफी 5.5 लाख करोड़, यानी ये आसानी से खेती पर खर्चा 5 गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों समय नहीं है, अंत में आ जाए, यही कारण है कि एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 90 के शुरू में 2 अरबपति थे, इस साल आंकड़ा आया है 121 अरबपति हो गए, 31 जन बड़ी संख्या अरबपतियों की, और उधर देश की 1% आबादी के पास 60% संपत्ति है और निचली 50% आबादी के पास सिर्फ 2.5% संपत्ति है, और वो भी घटती चली जा रही है। तो अगला आखिरी चले जाए, यही कारण है जो मैं जहां समाप्त करना चाहता था कि क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम इन मुद्दों पर बहस करें कि शिक्षा का क्या हो रहा है, स्वास्थ्य का क्या हो रहा है, राशन व्यवस्था का क्या हो रहा है, पीने का पानी का क्या हो रहा है, ये सारे मुद्दे मैनिफेस्टो में संक्षेप में आए हैं और विस्तार से पुस्तिकाओं में बाहर उपलब्ध है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इन मुद्दों पर बहस हो कि देश किस दिशा में जा रहा है, तो हम सारे लोगों को ये सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, धर्मांधता के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर फंसाए हुए हैं, हम सारे उन मुद्दों पर लड़ रहे हैं ताकि इन मुद्दों पर बहस न चले। समाजवादी एजेंडे का मतलब ही है कि सारी जनता साथ में आकर ये सारे सवाल उठाए कि देश ऐसे नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद।